वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। बड़ी खबर, जिला पीलीभीत से ग्राम भूंचई के तालाबों को कब्जा मुक्त होने की दरकरार। पूरनपुर भूंचई प्रदेश सरकार जल संरक्षण के लिए लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण के वृक्ष लगाओ पानी बरसाओ के संदेश से जल संरक्षण की मुहिम चला रही है। वहीं समय समय पर तालाबों, नहरों व नदी नालों की सफाई कर पानी के संकट से निपटने के भरकस प्रयास कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह पहल धाराशाही साबित हो रही है। नगर क्षेत्र पूरनपुर की न्याय पंचायत भूंचई में मौजूदा तालाबों पर ग्रामीणों द्वारा अवैध तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, जिसे पंचायत क्षेत्र के तालाबों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों में मौजूदा तालाबों पर ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे इन तालाबों को अस्तित्व में खतरा दिखाई दे रहा है। जीव जंतु व पशु पक्षियों की प्यास बुझाने को ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा तालाबों को सुरक्षित रखना राजस्व विभाग के लिए चुनौती साबित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा तालाबों को अवैध कब्जेदारों के कहर से बचाने के लिए मनरेगा योजना के तहत इन तालाबों का सौंदर्यकरण कराया था, जिससे इन तालाबों को उनका वास्तविक रूप मिला था। लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी से स्थानीय कब्जेदारों द्वारा इन तालाबों पर फिर से अवैध कब्जे कर मौजूद तालाबों के सौंदर्यकरण को पूरी तरह से विकृत किया जा रहा है। क्षेत्र की घुंघचाई, कबीरपुर, कसकंचा, कनपारा, दिलावरपुर, सिमरिया, फतेहपुर, जितौरिया, ज्ञानपुर, मोहलिया सहित दर्जनों पंचायतों में मौजूद तालाबों पर इन दिनों अवैध पटान जोरों से किया जा रहा है, लेकिन इन कब्जेदारों पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लग पा रही है। क्राइम रिपोर्ट, शिवम यादव। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।